हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट क्रेकर में आपका स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। यदि 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रुप सी वाला वीडियो देख सकते हैं। ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रुप बी वाला वीडियो देख सकते हैं, और ग्रुप ए में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रुप ए वाला वीडियो देख सकते हैं। यह तीनों वीडियो यूजीसी नेट क्रेकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। यह वीडियो ग्रुप बी से संबंधित हैं। इसमें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट के 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा अन्य भी पद हैं। 24/9/2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 23/10/2021 है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेशन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ₹1,050 एप्लीकेशन शुल्क हैं। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ₹450 एप्लीकेशन शुल्क, ओमेन और पीडब्ल्यूडी या दिव्यांग के लिए ₹50 एप्लीकेशन शुल्क हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट नंबर 2018 और 16 में जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें आप अप्लाई किए हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन शुल्क अलग से दिया है। इस विज्ञप्ति में विभिन्न पद हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर का पद है इलेक्ट्रिकल या सिविल में, कंप्यूटर ऑपरेटर का 8 पद हैं, क्यूरेटर का 3 पद हैं, एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट के पद हैं, जूनियर इंजीनियर के 2 पद हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए 1 पद हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट के 5 पद हैं, सेक्शन ऑफिसर के 4 पद हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर के पद हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 9 पद हैं, स्पोर्ट असिस्टेंट यानी कोच के 1 पद हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल पढ़ लीजिए। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, अदर डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। इसमें विभिन्न पदों के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल का पद है, एज लिमिट 35 साल से कम होना चाहिए। इन सभी पद के लिए यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए ईजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल हैं। इन पद के लिए क्वालिफिकेशन में संबंधित सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अदर डिटेल भी दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, एज लिमिट 35 साल है। क्वालिफिकेशन में ए ग्रेजुएट इन साइंस विथ ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशंस यानी बीटेक या बी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी या बीसीए के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर भी डिटेल इसमें दिया है। क्यूरेटर का पद है, एज लिमिट 35 साल है, जो ग्रेजुएट लेवल पे हैं संबंधित सब्जेक्ट में। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट का पद है, एज लिमिट सेम है, और क्वालिफिकेशन में संबंधित सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन आर्कोलॉजी 55% मार्क्स या एमए इन एशियंट हिस्ट्री 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट का पद है, एज लिमिट 30 साल है, क्वालिफिकेशन में बीएससी विथ डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग फील्ड में होना चाहिए। अदर भी डिटेल दिया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए एज लिमिट 35 साल है, जो 12वीं पास लेवल पे हैं, साथ में संबंधित सब्जेक्ट में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट का पद है, जो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में है, एज लिमिट 35 साल है, यदि कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसमें छूट है। और मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 55% अंक के साथ। इसके अलावा यदि आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो बिलीव यानी बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ होनी चाहिए, 2 साल का वर्क। सेक्शन ऑफिसर पद के लिए एज लिमिट 35 साल है। क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफिसर का पद है, एज लिमिट 40 साल है, जो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है और 10 साल यानी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदर डिटेल दिया है।
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, एज लिमिट 35 साल है, जिसमें एमएससी या बी या बीटेक फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अदर भी इसमें डिटेल दिया है। स्पोर्ट असिस्टेंट यानी कोच का पद है, एज लिमिट 35 साल है, क्वालिफिकेशन में एमपीईडी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या